नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लाई हूँ। आज हम आप लोगों के सामने अचारी आलू और अजवाइन पूड़ी की रेसिपी शेयर करेंगे। दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप इसे एक बार बनाइए, नाश्ते में खाइए, ब्रेकफास्ट में, मॉर्निंग में, या फिर आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे तो बहुत ही चाव से खाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस अचारी आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 1 किलो आलू है। छोटे छोटे आलू थे, पतिदेव को सब्जी लाने के लिए भेजा था, मैं नहीं जा पाई तो उन्होंने गए और आलू छोटे छोटे दिखे तो लेके आ गए। अब इसका हम क्या करें, इसको छीलना तो बहुत ही सरदर्द होता है। तो अब इसको हम इसका आज एक रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के सामने। इसको अच्छे से 3-4 बार मैंने पानी से धो दिया था, इसमें बहुत मिट्टी थी, बारिश का सीज़न चल रहा है। अच्छे से वॉश करने के बाद फिर इसको हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमें इसमें हमें सीटी लगानी है 1 से 2। तो हाई फ्लेम पर इसे आप 1 से 2 सीटी लगा लें, इतने में हमारा आलू अच्छे से उबल जाता है। जब तक आलू उबल रहा है इसको हम रखेंगे साइड में उबलने देंगे और इसको ठंडा होने के बाद छीलने के बाद फिर दिखाऊंगी। तब तक हम यहाँ अजवाइन की पूड़ी बनाने के लिए आटा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में 2 कप गेहूं का आटा और 2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे सूजी डाली है, इससे बहुत ही हमारी क्रिस्पी बनेगी पूरी। और 1 छोटा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाला है और 1 छोटा चम्मच देसी घी डाला है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। घी से हमारी पूरी बहुत ही खस्ता बनती है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा टाइट डो तैयार कर लेना है। पूरी पूरी का जो डो होता है रोटी और पराठों से थोड़ा सा हार्ड होता है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा टाइट करें तभी हमारी पूरी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनती है। तो इसको हम अच्छे से मसलते हुए कूद कर तैयार कर लेते हैं। एक बार आप इस पूरी और आलू की सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अच्छे से हम पहले डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आटा तैयार कर लिया है, इसको हम रखेंगे थोड़ा सा साइड में 10 मिनट ताकि हमारी सूजी है जो वो फूल जाए, तब तक हम सब्जी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आलू को उबाल लिया था अच्छे से, जब ठंडा हो गया तो छील लिया है, 2 सीटी में अच्छे से उबल चुके हैं। तो यहाँ पे 1-2 मुझे बड़े बड़े आलू दिख रहे हैं तो उसको मैं भी छोटा कर दे रही हूँ क्योंकि सारे छोटे छोटे थे। तो अब इसको हम चलते हैं आगे की तरफ पे। कढ़ाई में मैंने 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गर्म करके इसको फिर से बंद कर दिया था और ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ये हल्का गर्म है और फिर उसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है सब्जी में अगर आप तेल में डाल देते हैं। और उसके बाद तुरंत इसमें डालेंगे हम उबले हुए आलू। तो आप गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिए, नहीं तो हमारे जो हल्दी और लाल मिर्च है वो जल सकती है दोस्तों। अब इसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें हाई फ्लेम पे आलू को क्रिस्पी होने तक पकाना है। बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, कम तेल मसाले में बन जाता है। अभी इसमें जो ऑयल है इसको हम बाद में निकाल लेंगे क्योंकि ये हाई फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होगा। तो इसको बीच बीच में आप चलाकर अच्छे से आलू को क्रिस्पी कर लीजिए। तो देखिए कुछ ही समय में हमारा हाई फ्लेम पर आलू अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो अब इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि हाई फ्लेम में ही अच्छे से हमारा जो आलू है वो कुरकुरा होता है, तो तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। जब इसको फिर हमने जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाल लिया है, अब हमारा आलू भी बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है। तब अचारी आलू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिया है 1 बड़ा चम्मच अचार का मसाला। अब इसकी जगह पर अचार का मसाला घर पे भी बना सकते हैं, तो मैंने एक वीडियो डाली है उसमें आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल रही हूँ और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ढक देते हैं और 1 से 2 मिनट में हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपके पास इस समय धनिया है तो इसमें डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, उससे भी काम चल जाता है। तो इसको हम निकाल देते हैं और अब चलते हैं आगे की तरफ पे। दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो हमारा डो भी सेट हो चुका था अच्छे से फूलकर, फूली सूजी हमारी फूल चुकी थी। तो अब हम पूड़ी भी तल लेते हैं, आलू तैयार है हमारा, आप पूड़ी बना लेते हैं। तो छोटी छोटी लोइयाँ जैसे आप पूड़ी खाते हैं उस तरह से तोड़ लीजिए। तो एक यहाँ पर लोई मैंने तोड़ ली है कुछ लोइयाँ, और चकले पे थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगा लीजिए और हल्के हाथों से आप इसे बेल लीजिए। आप सूखा आटा भी डस्ट कर सकते हैं, किस कुछ लोगों को ऑयल से नहीं बन पाता है तो आप सूखा आटा डस्ट करके पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए कुछ पूड़ियाँ तैयार कर ली हैं। कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया था, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए पूड़ी तलने के लिए दोस्तों।
और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी से हमारी क्रिस्पी फुली फुली पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों, बच्चे तो बहुत ही चाव से खाते हैं। तो देखिए एक पूड़ी हमारी बन चुकी है, इसी तरह आप सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लीजिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने घर वालों को खिलाइए, बच्चों को आप इसे टिफिन में दे सकते हैं दोस्तों। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आलू की सब्ज़ी वैसे भी बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, और ये मैंने बहुत ही कम मसाले में डाला है, बनाया है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज इसे मैं दही के साथ सर्व करी हूँ, दही के साथ इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर दही सर्व कर ली है, आलू रख दिए हैं, अब गर्मा गर्म पूरियाँ डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखिए खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही झटपट से बन जाता है, बच्चों का तो ये फेवरेट है। तो इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक आप हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।